स्वामी विवेकानंद ने कहा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैर पर खड़ा हो सके। महापुरुष स्वामी विवेकानंद के ये अनमोल शब्द शाश्वत हैं। और आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने अपने जीवन के 50 वर्ष से ज्यादा अर्पित किए हैं शिक्षण के प्रयास में। छात्र राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक और एक शिक्षक के रूप में इन्होंने अनगिनत उपलब्धियां हासिल की हैं। शिक्षक, मित्र, मार्गदर्शक, यह कहानी है डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी की। जब आजादी की कगार पर एक नन्हा हिंदुस्तान अपनी पहचान बना रहा था विश्व में, आंखों में सपने और उड़ान की उम्मीदें लिए जन्म हुआ एक बालक का एक मध्यम वर्ग के परिवार में। एक ऐसा लड़का जिसका भाग्य उसे यश और सम्मान की पराकाष्ठा पर ले जाने वाला था। तारीख थी 10 अक्टूबर 1946 जब श्री झाऊलाल और श्रीमती भगवती देवी के घर उत्तर प्रदेश के होलीपुरा गांव में जन्म लिया इस बालक ने। समय का पहिया घूमा और बचपन बदला किशोरावस्था में। होलीपुरा मेरी पूर्वजों की मातृभूमि है और वहां के कण-कण में मुझे वहां एक विशिष्ट प्रकार की ऊर्जा मिलती है। वहाँ की एक जो सुगंध है मिट्टी की, वो दुर्लभ है मेरे लिए। और वहाँ जाने के बाद मुझे बचपने की सब स्मृतियाँ, मेरे माता पिता की सब स्मृतियाँ और उस गांव से जुड़ी हुई जितनी पुरानी यादें हैं, पुराना इतिहास है, वो जाने के बाद सब ताजा हो जाता है। स्कूल की दहलीज पार करके एक युवक सतीश ने कदम रखा कॉलेज की दुनिया में। शांत स्वभाव के सतीश का अभी भी डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी बनना बाकी था। पर एक रोमांचक सफर की शुरुआत हो चुकी थी। दामोदर इंटर कॉलेज होलीपुरा सन 1932 के अंदर स्थापित किया गया और यहीं से श्री सतीश चतुर्वेदी जी ने 1960 से लेकर के 1963 तक अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात वो नागपुर चले गए। परिश्रम के आधार पर उन्होंने बहुत बुलंदियां छुई अपने जीवन के अंदर। वो एक समाजसेवी हैं और इस गाँव से उनका बड़ा प्रेम है और इस विद्यालय से भी उनका बहुत स्नेह है। डिबेट, सेमिनार, सिंपोजियम और ऐसी विभिन्न स्पर्धा में जीतकर डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी ने अपनी छवि बनाई एक निपुण और सुविज्ञ वक्ता के रूप में। आखिर नेतृत्व का पहला कदम है अपने विचार सही शब्दों में और सही जज्बे के साथ लोगों तक पहुंचाना। वो बहुत शरीफ इंसान रहे हैं, हम दोनों साथ साथ पढ़े हैं। बचपन से इंटरमीडिएट तक वी वर टुगेदर और हर तरह की झगड़ा करना, लड़ना, हर तरह की तारीफ करना, एक दूसरे के साथ खेलना, उनकी मदर हम लोगों को बहुत स्नेह रखती थी, चाची कहा करते थे हम लोगों, और बराबर उनकी खिलाए हुए खाने की, उनके खीर की, दही की, मठे की अभी तक याद आती है। और शी वॉज ऑल्सो वेरी
ग्रेट लेडी टू अस। आत्मविश्वास और जोश दिल में लिए डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी खड़े हुए अपने पहले कॉलेज के चुनाव में। उस चुनाव की यादें आज भी ताजा हैं। एक ऐसा अनुभव जिसमें खुशी भी थी और गम भी, पर सबसे अहम थी उस चुनाव से मिली सीख। बिना थके बिना रुके बढ़े चलो हमेशा आगे। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी बने एक छात्र नेता और NSUI के कार्यकर्ता। नए अवसर दस्तक देने लगे। जिंदगी के दरवाजे पर उनकी पहली जीत ने एक नई दिशा दी उनके जीवन को। सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए उन्होंने जीता नागपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष का चुनाव, जहां रजिस्टर्ड थे 1,00,000 से अधिक छात्र, और फिर घोषित किए गए महाराष्ट्र NSUI के कन्वेनर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधी द्वारा। जीत की राह में अगला पड़ाव तब आया जब डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी निर्वाचित हुए महाराष्ट्र युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। सत्तर के दशक में जहां एक तरफ दीवार और शोले जैसी फिल्में सुपरहिट हो रही थीं, एक युवा नेता उभर रहा था एक सितारे के रूप में। जो कैंटीन के पास खड़ा हुआ करता था युवा कांग्रेस का, उसमें इतना बड़ा टैलेंट है कि जो हजारों विद्यार्थियों को शिक्षण दे सकता है और इस देश का अच्छा नागरिक बना सकता है। ये बहुत मैं कीमती समझता हूँ कि उनका जो एक सोचने का तरीका है कि मेरा भारत, हमारा देश, इसको बढ़ोतरी देना है तो इस तरह का काम करे कि जहाँ सब लोगों को उसका उपयोग हो जाए। उसमें जो टैलेंट है वो बुद्धिमत्ता का टैलेंट है। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसा उनको डॉक्टरेट नहीं दे सकते जब तक वो पेपर्स में कुछ है। उन्होंने जो डॉक्टरेट की है ये भी बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए। मैं विदर्भ में जाता था, विशेषतः नागपुर जाता था, तभी मैं उनसे मिलता था, ऐसी दोस्ती हमारी होगी। इन सफलताओं ने डॉक्टर सतीश को मौका दिया लोगों की जिंदगियां बदलने का, उनके जीवन को बेहतर बनाने का। उन्नीस सौ 81-82 की बात है, तो हमने बाबूजी के पास में गई है। उस टाइम में विदर्भ माथाड़ी कामगार करके बाबूजी ने एक संस्था निकाली कामगारों के बारे में, और वो संस्था के अंदर में हम लोग शामिल हो गए। हमारे लिए वो भगवान है। अब 2004 से इस माथाड़ी के काम में आए, और उस समय देखते थे कामगारों की जो हालत थी, उस समय की हालत से आज की जो हालत है काफ़ी अच्छी है, और जो पेमेंट की बात है वो भी आज अच्छी है। तो ये सब डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी की देन के कारण हुआ है। पगार की बात नहीं, तो कामगार जिस बस्ती में रहते हैं उस बस्तियों का भौतिक विकास भी अच्छे से करने का काम उनके द्वारा हुआ है। 25 वर्षों तक डॉक्टर सतीश ने लोगों की सेवा की बतौर एक विधायक, जिनमें से 10 वर्ष उन्होंने कई मंत्रालयों का नेतृत्व किया, जैसे खेल, पर्यटन, वन, कपड़ा, श्रम इत्यादि। उनका पूरा कार्यकाल केंद्रित था लोगों की सहायता पे और लोगों की जिंदगियां बेहतर बनाने पर। जनता के प्यार, विश्वास और सम्मान ने उन्हें यह अवसर दिया कई बार, क्योंकि डॉक्टर सतीश की राजनीति थी बदलाव की राजनीति। कुछ अलग करने चल पड़े थे ये राजनीति की राह पर। मैं पिछले 50 साल से सतीश जी को जानता हूँ। मैं 1973-74 में मैंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की, उस समय ये, और मैंने कॉलेज में जैसे एंट्री ली उसी समय ये नागपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ के इसमें काफ़ी क्रियाशील थे। छात्र शक्ति के नाम से उन्होंने एक अपने संगठन की शुरुआत की थी, और उसमें बड़े बड़े हस्ती आज के जो है वो उनके साथ काम करते थे।
एक प्रकार से नागपुर के राजनीतिक जीवन में अपने व्यक्तिगत कर्तृत्व और गुणवत्ता के आधार पर अपना दबाव निर्माण करने वाला और लोक संग्रहक वृत्ति रखने वाला, न उसके पीछे जात थी, न पंथ था, न धर्म था, तो उन्होंने बहुजन समाज का विश्वास संपादन किया और एक प्रकार से नागपुर के राजनीति में एक प्रमुख ऐसे स्तंभ बने कि उनको टाले बिना कांग्रेस की राजनीति चल नहीं पाती थी। उनने अपनी शक्ति भी इकट्ठा की, एक शून्य से, कुछ पेश नहीं था, कुछ माँ बाप की पुण्या ही नहीं थी, आगरा के पास से कहीं से तो भी उनका मूल स्थान था, वहाँ से यहाँ आई, यहाँ के लोगों का विश्वास मिलाया, राजनीति में यशस्वी हुए, शिक्षा संस्थाएं निर्माण की और जनता के दिल में अपनी जगह बनाई और एक पार्टी के व्यतिरिक्त व्यक्तिगत नेता के रूप में एक स्ट्रांग ताकत उन्होंने बनाई और मेरे उनके अच्छे संबंध व्यक्तिगत रूप से रहे। कभी राजनीति में हम लोग साथ रहे, कभी विरोध में रहे, पर संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे सतीश जी के साथ काम करते हुए 40 साल हो गए। उनको हर प्रकार का कपड़ा उनको पसंद था, हर स्टाइल उनको पसंद थी। फॉरेन जाते थे तो वेस्टर्न स्टाइल के सूट पहनते थे, ओवरकोट पहनते थे, हर प्रकार के पहनते थे। जब कैबिनेट में जाते थे तब कुर्ता पजामा जैकेट पहनते थे, कोई फंक्शन होता था बंद गले के सूट पहनते थे, अच्छे कपड़े पहनना उनको बहुत पसंद था। जैसा कि हमने अक्सर सुना है और देखा है, एक सफल आदमी के पीछे हमेशा एक नारी का साथ होता है। डॉक्टर सतीश के जीवन में ये श्रेय जाता है उनकी पत्नी श्रीमती आभा चतुर्वेदी को। आंखों में सपने और दिल में जोश लिए युवा सतीश चतुर्वेदी का विवाह हुआ कुमारी आभा से, जिनके पिता एक शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य थे। दृढ़ धार्मिक और नैतिक विचारों वाली श्रीमती आभा जल्द ही चतुर्वेदी परिवार की एक अभिन्न सदस्य बन गई। आभा मैम का जो सबसे बड़ा गुण कहिए, विशेषता कहिए, ये है कि बहुत शांत स्वभाव की, धैर्यवान, और कितनी भी मुसीबत हो वो बड़े संतुलित मस्तिष्क से उस परिस्थिति का, विषम परिस्थिति का भी मुकाबला करती हैं। क्योंकि मैं तो समय नहीं दे पाया, तो परिवार को संभालना, बच्चों को बड़ा करना, एक परिवार संभालना और एक 3,500 कर्मचारियों का एक पूरा संगठन संभालना, तो उन्होंने बड़ी कुशलता से संभाला। चेहरे पे मुस्कान लिए श्रीमती आभा चतुर्वेदी सदैव हर पग पर साथ खड़ी रहीं डॉक्टर चतुर्वेदी की यात्रा में। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं इस परिवार में आई। ये परिवार में आने के बाद मैंने जीरो से सीखना शुरू किया। मेरी सासू माँ ने हर तरह का मुझे किस तरीके से परिवार को रखना, परिवार की रीति रिवाज, उनके संस्कार, हर छोटे छोटे जो रीतियाँ होती हैं वो सब उन्होंने सिखाया। शादी के पहले दिन से उन्होंने मेरे ऊपर, जब मैं यहाँ आई, पूरा विश्वास किया, अपनी हर तरह की पूरी बातें बताई और उसके साथ साथ मुझे जीवन में कभी भी उन्होंने रोकने का काम नहीं किया। जो भी जवाबदारी दी वो पूरे उससे, पूरे समर्पण से कहना चाहिए, उन्होंने जवाबदारी देने के बाद पलट के नहीं पूछा कि इसको आप किस ढंग से करोगी, विश्वास रखा। वो परिवार के अंदर भी उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से सबको समेट के रखा, सबको जोड़ के रखा। पूरे समर्पण से कहना चाहिए, उन्होंने जवाबदारी देने के बाद पलट के नहीं पूछा कि इसको आप किस ढंग से करोगी,
विश्वास रखा। जैसे जैसे डॉक्टर सतीश के राजनीतिक जीवन की जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, श्रीमती आभा ने उनके सारथी की भूमिका निभानी शुरू कर दी। समस्त घर की और परिवार की जरूरतों को अपने कंधों पर लेकर श्रीमती आभा सबके लिए एक प्रेरणा है और एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ वे नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थायी कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। डॉक्टर सतीश और श्रीमती चतुर्वेदी की दो संतानें हैं, बेटा श्रीमान दुष्यंत और बेटी श्रीमती पल्लवी। बेटी और पापा का रिश्ता वैसे ही बहुत ही ब्यूटीफुल सा रहता है, तो पापा के साथ हमेशा से ही जो एक चीज़ मुझे समझ में आती है कि हमेशा मुझसे कहा गया है कि मुझे डर नहीं लगता है, या इतने सारे जब लोग आते हैं तो मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं होती। बचपन से जो उन्होंने ये डिस्टिंग्विश नहीं किया कि ये लड़का है, मतलब बेटा साथ में रहेगा, बेटी अंदर ही बैठेगी, तो उससे वो कॉन्फिडेंस भी बहुत रहा है। बचपन की बहुत सारी छोटी छोटी यादें कि वो स्कूटर में बैठा के स्कूल ले जाते थे हमको, और उनका रहना ही एक बहुत इंस्पायरिंग रहता था साथ में। आई हैव बीन एडमायरिंग ऑलवेज इन हिम हैज बीन हिज इनॉर्मस एनर्जी दैट ही एमिनेट्स, यू नो, व्हेनेवर ही इज देयर द लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर ही इज बेसिकली, एंड द स्पॉटलाइट इज हिम, एंड ही हैज बीन सो malleable with different class of people that he can sit with a sadhu in Vrindavan and talk to him, a labor in Mathadi Workers Union and a minister and my father. So he was very malleable, and his grandchildren are so fond of him, you know, he's always there with everyone. So that has been a very enchanting kind of a character that he has. My Nana to me is the sort of person that all children books try to capture. He's an earnest man who's a doting Nana to his granddaughter. And during my holidays, he makes it all about me. Even from the food that I'm about to eat, from where I'm about to go. He didn't seem like a busy man to me then. I thought that he has all the time in the world. And he doesn't mind going that mile ahead or 8 miles ahead just to keep a little child happy. And he's been that way for all his grandchildren, even for Devang and Ashank. But for me, since I think I was the eldest one and I'm the only daughter, he has some sort of a soft side for me. He's taken me for multiple vacations. I think most of my passports are there because of him. We've been to Scotland and Canada, Alaska. But all throughout, he's made it about me. He's made the vacations about me. He's made his time about me. And he's taught me a lot as well. I've heard stories from my mother, I've heard stories from my mama, but when I look at my Nana, I understand how far he's come. I think he's a very good human being, and his patience and the way he takes on things, the way he has his vision and how he follows them, I really feel that's very great about him. He was always there for me, even in my education he was there. He used to teach me history, Hindi, and maths at times, and it was a good time with him, and that way he was very patient and a good listener, and he always understood what was going around with me. And I've seen that education has been always a motivating factor for him, and it has been a driving force throughout his life, and he looks forward for it and he enjoys that part. My in-laws, especially my father-in-law, he has nurtured my values. Every day is a learning with him, basically. He is a person who is larger than life, and there is everyday learning with him. He has always supported me, always motivated me, and he has made me fearless, basically. So he actually is a deep thinker. So, my grandfather's always been like my Brahmastra. So, whatever happens, I go and hide behind him. So, koi shararat karta tha, I used to trouble someone, trouble my brother, or father, mom.
used to go and hide behind him. He always used to save me. He has a great will to achieve something, and he has a desire inside him that whatever he wants to achieve, and he finds a way to achieve that. The childhood memory that like I cherish the most is that like whenever I come to like Nagpur after Mumbai, and on the last day before I leave, normally in the night we all sit together and play cards together, and he's the one who taught me how to play cards. I really like love that. I'm bad at showing love and all, but like with him it's different. I feel safe and comfortable around him. He inspires me to be a better person, just like do the best I can every day. As he started everything from nothing, he became what he is from nothing. And I really admire that part of him, and I want to do something similar. डॉक्टर चतुर्वेदी की कहानी में गौरतलब ये भी है कि राजनैतिक जीवन कभी शिक्षा के प्रति उनके रुझान के आड़े नहीं आया। बचपन से ही डॉक्टर सतीश का स्कूल के प्रति गहरा लगाव था। अपने जीवन में शिक्षा की राह पर चलते चलते डॉक्टर सतीश ने नागपुर यूनिवर्सिटी से लॉ के साथ साथ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। सन 2018 में उन्हें इतिहास में डीलिट की उपाधि से विभूषित किया गया। शिक्षा के प्रति इस लगाव ने प्रेरित किया उनके अंदर छिपे कवि को, जो रचने निकले थे इतिहास। 60 साल हो गए हमारी दोस्ती के, और 60 साल साथ साथ में रहे। ऐसा कोई वक्त नहीं आया कि हम अलग हुए। इसी दौरान एक व्यक्ति जो ज़मीन से आसमान तक पहुंचा, सतीश चतुर्वेदी मेरे दोस्त, साइकिल पे सफ़र चालू किया, आज किस शिखर तक पहुंचे, ये उनकी काबिलियत। वी वर एबल टू सी द वाइब्रेंट लीडरशिप, स्टूडेंट लीडरशिप ऑफ सतीश बाबू। मतलब द एग्रेशन दैट ही हैड, द क्लैरिटी दैट ही हैड, the enthusiasm that he had, the focus that he had, and the assertion that he had. One thing which I would really like to admire in Satish Babu is that I am yet to come across a more fearless man than him. And as we grew intimate, and I have every reason to say that I take Satish Babu as one of the inspiring youth leadership which inspired me the most, and I am not saying impressed me the most. It inspired me the most. My friendship is concerned that continued, and thereafter every election of Satish Babu was challenged in the court of law, and every time I used to be his lawyer appearing in the court for him, and fortunately in all his cases we have succeeded. So I was a friend, legal advisor, and also just like a family member. He is a very amiable person, very helpful. Dr. Satish Chaturvedi is a fantastic person. He's a very caring man. I know personally that he used to take the interest in the welfare of his entire staff. In my difficult days, that time I noticed that he is not only a politician, but he is having a kind heart inside him. जो बीज होलीपुरा में बोया गया था शिक्षा का, वो अब आसमान की ओर देखता हुआ एक वट वृक्ष बनकर उभर रहा था। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी को पुनः एहसास हुआ कि असली विरासत शिक्षा प्रदान करना ही है। वही है मानवता के प्रति सर्वोच्च योगदान। एक स्कूल बनाना उनका सपना था, पर जब ये सपना साकार हुआ तो वो सपनों से भी सुंदर था। डॉक्टर चतुर्वेदी, व्हेन ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ सोशल वर्कर इन टू वेरियस स्लम एरियाज इन द नागपुर, he had that concern. He could find one thing missing terribly, which is vision of our country also, that is providing quality education. And with that vision, when he meet those kids,
into the slum area, he finds that education is something, is should be his mission of his life. And he started a lot of schools for them. एक तरफ डॉक्टर सतीश का राजनीतिक जीवन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा था और दूसरी ओर बेहतर शिक्षा की नींव रखी जा रही थी। डॉक्टर सतीश ऐसे स्कूल और विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहे थे जो देश का भविष्य बनाने वाले थे। 32 साल पहले डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी ने स्थापना की लोकमान्य तिलक जन कल्याण शिक्षण संस्थान की। बचपन का सपना अब सामने हकीकत बनकर खड़ा था। आज इस संस्था की छत्र छाया में 28 इंस्टीट्यूट्स हैं, जो विभिन्न कार्य क्षेत्र में 25,000 से ज्यादा छात्रों को निपुण बनाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मैनेजमेंट, फार्मेसी इत्यादि। विजन इज सीन इन द वे ही हैज लेड द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो टू 29 इंस्टीट्यूशंस एंड विच इज नो स्मॉलर फीट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू नो वन इंस्टीट्यूशन पर ईयर काइंड ऑफ थिंग एंड And that is because he has trusted, that is because he has believed in the people who work for him, and that shows his inherent quality as an exemplary leader. The kind of concern and care that he shows to the entire LTJSS organization, and that's something which is very, very admirable. और इन सब का दारोमदार है श्रीमती आभा चतुर्वेदी पर, जिन्होंने कड़ी मेहनत से प्रत्येक इंस्टीट्यूट की एक जगह बनाई है छात्रों के बीच। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी की बहू श्रीमती शीतल चतुर्वेदी भी इस कार्य में पूरी तरह से रुचि ले रही हैं और उनके जिम्मे आते हैं सारे स्कूल। छोटा सा एक पौधा लगाया गया था, आज एक वृक्ष के रूप में विकसित हुआ है और हमारे बेटे बहू के द्वारा उसको और आगे अच्छे रूप में आगे ले जाया जा रहा है। 40,000 से अधिक भूतपूर्व छात्र LTJSS से अपनी शिक्षा पूरी करके आज ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। सफलता के नए कीर्तिमान बनाए हैं इन भूतपूर्व छात्रों ने। भविष्य उज्जवल है। पर एजुकेशन के क्षेत्र में जो काम हो रहा है वो मुझे लगता है कि समाज ने जो कुछ हमें दिया है वो हम उस रूप में उसको लौटा रहे। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी कहते हैं कि हर छात्र, हर युवा को एक प्रतिमान की जरूरत है, एक ऐसा मार्गदर्शक जो इंसान को सही राह दिखा सके। इसीलिए उन्होंने अपना थीसिस भी महात्मा गांधी पर लिखा है। सफलता वो अनुभव है जो आपको आनंद दे, कहते हैं डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी ने संपूर्ण शिक्षा देने का निर्णय किया था और इसीलिए उनके स्कूल और कॉलेज में प्रत्येक पहलू का ख्याल रखा गया है, चाहे वो नैतिकता हो या उत्कृष्टता। क्योंकि डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी सिर्फ डिग्री नहीं देना चाहते हैं, वे छात्रों को एक बेहतर और सार्थक जीवन देना चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जो अनुभव से भरा हो। मंजिल घटती गई, चाल बढ़ती गई, मेरे दो पग नहीं अभी तक थक पाए। तो ये एक वाक्य नीरज की कविता का है, तो ये मेरे अंदर घूमते रहता था। मैंने जीरो से शुरुआत की, पूरा जो ये जो यात्रा है या जो भी विकास यात्रा है या जो इस मंजिल पे पहुँचे हैं, तो उसके पीछे कड़ी मेहनत और कैसी भी स्थिति आए, आप निराश मत होइए,
लगे रहो और मिशन को शुरू रखो। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जमीनी तौर पर लोगों से और अपने जीवन से जुड़े रहने में यकीन रखते हैं। उनका कहना है कि इसी से उनकी राजनीतिक और शिक्षण जीवन की सफलता जुड़ी है। अपने यश का श्रेय वो अपने बड़ों को, खासकर अपनी माँ को देते हैं। जीवन के आदर्श क्या रहने चाहिए, ये माँ के माध्यम से मुझे सीखने को मिला। माँ मेरी सबसे बड़ी आइडियल थी, आदर्श थी। डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी ने जीवन में 75 ऋतु चक्र देखे हैं और ये सफर अभी जारी है। रास्ते और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी की यह कहानी बदलाव लाएगी हम सभी के जीवन में।